नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी, दी न्यूज़पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो हमारी यात्रा है वो भिनगा विधानसभा श्रावस्ती जिले में पहुंच चुकी है, और इसके आगे अगर जाएंगे तो नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, और यहां हम जनता से जानेंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें इनके क्या राय है, इनका किधर रुझान है। तो सर, 2022 विधानसभा चुनाव में किधर पलड़ा भारी है? 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी पुनः आएगी और भारी सीटों के साथ आएगी। जहां तक अभी लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी की देन थी तब छुट्टा नहीं थे, योगी जी आए तो अब यहाँ पे छुट्टा का माहौल, मतलब जानवर जगह जगह मिल रहे हैं। योगी जी ने जानवर छोड़ने का कोई प्राविधान बनाया है कोई बताएगा मुझे? उन्होंने सिर्फ काटने का प्राविधान पे रोक लगाई है कि जो गौकसी हो रही है इस पे रोक लगाई है। सबसे ज़्यादा इस पे हम पब्लिक हिंदू भाई भी इस पे विरोध करते थे कि जो गौकसी है उस पे रोक लगाई जाए, हम लोग ही। अब ये लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी कमी है, कमी यह है कि अगर मान लो किसी चीज़ पे डर खत्म हो जाए तो लोग फ्री हो जाते हैं। भाई बुरा सबको लग रहा है, हर कोई छोड़ रहा है, जानवर कहाँ से आए? दूध हम उनका खाते हैं, हम उनको पालते हैं, चारा हम उनको नहीं दे सकते? आने वाली पीढ़ियां यही दशा रही तो क्या पाउडर वाले दूध पे जिंदा रहेगी? पाउडर वाले दूध पे जिंदा रहेगी। लेकिन एक चीज़ और, जो भी चीज़ आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात हो रही है, UCC की बात हो रही है, अभी आपने देखा, लेकिन विपक्ष लगातार है कि भाई ये धर्म को टारगेट किया जा रहा है, धर्म को टारगेट करके बनाया जा रहा है ये सब बिल। आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण खराब है? देखिए, जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, इसको देश को आज से 10-20 साल पहले ही इस पर नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि दिनों दिन जो हमारी जमीन है, प्रॉपर्टी है, ये बढ़ नहीं रही। प्रॉपर्टी वही है, उस पर लैंड बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और अगर पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जाएगी, गरीबी देश की कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम आप जो टैक्स भरते हैं, कमाते हैं, उसी से जो सरकार के पास कोई अतिरिक्त व्यय तो है नहीं, उसी से सरकार सारी व्यवस्थाएं करती हैं। आप खुद कल्पना करिए कि जिस जगह पे आबादी थी, कि जिस जगह पे 10 मकान 5 मकान हुआ करते थे, आज वहाँ 100 मकान हुए, उसी पॉपुलेशन में क्या भेड़ बकरियों वाली जिंदगी जी सकते हैं कोई इंसान? लेकिन इस तरह की बातें हैं तो फिर ये विपक्ष हैं चाहे मौलाना हो, इनको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, बच्चे पैदा करने की स्थिति एक दो ठीक है, अब 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करके आप बताइए उनके लिए क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं? आप अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा जीवन दे पाएंगे, अच्छे उनके रहन सहन की व्यवस्था दे पाएंगे? तो फिर इनके पेट में दर्द का कारण क्या है? दर्द का कारण यही है कि जैसे उनकी स्थिति शुरू से वही थी कि जनसंख्या बढ़ाने, मतलब कि कबीला बढ़ाओ, और कबीला बढ़ाने की स्थिति क्या थी कि उनका सिर्फ एक ही मोटो है कि पॉपुलेशन, और उसके बाद तो दंगे चिल्लाने वाली स्थिति भी वही करेंगे कि सरकार की जनता भूखों मर रही, जनता भूखों मर रही। भाई जब देश में, जब आपके अर्थ के हिसाब से, आपके ग्रोथ के हिसाब से, आपके प्रोडक्शन के हिसाब से किसी भी चीज़ की जब जरूरत होगी तो वहाँ पे जो है मार होगी। आने वाले दिनों में यही स्थिति रही, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो सिर्फ दाने के लिए, भोजन के लिए इंसान इंसान को मार के खाएगा, ये स्थिति आने वाली है, इंसान को मार के खाएगा। और भी लोग, चाचा आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा में किसका माहौल है? बीजेपी का अखिलेश यादव नहीं आएंगे? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि 22 में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो अभी तक सरकार नहीं थी, अभी राम मंदिर बना, किसने बनवाया? बीजेपी ने तो बनवाया, तो और सरकारें नहीं थी। बोल तो रहा है अखिलेश यादव और विपक्ष बोल रहा है कि तो राम मंदिर में पैसा लूट गए। अरे अखिलेश यादव तो बोलते रहते हैं इसे, अखिलेश यादव क्या कहे और क्या, जितना बीजेपी ने काम किया उतना और कुछ किसी ने काम किया है? और भी लोग, आपको क्या लगता है सर 2022 विधानसभा में क्या माहौल है? सन 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी। क्यों सरकार आएगी? सरकार इसलिए आएगी कि उन्होंने इससे 5 साल पहले बहुत अच्छा काम किया, 4 लाइन बनवाई, एम्बुलेंस चलवाया, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है अभी की सरकार? क्या है कि गायों को छोड़ दिया है, साढ़ वाड़ को, कि रोड पर लोग टकरा के मर जाएं, और जो गरीब किसान हैं वो गांव में रात दिन में अपन काम करें, रात में खटोला उठा ले जाए, खटिया 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 उठा ले, रजाई निहार लड़कियन का घरे छोड़ दें, अपन हुआ जाए आराम से सो खेत में। योगी जी ला के छोड़ते हैं, योगी जी ला के छोड़ते हैं, गाय बछड़ा देती है, गाय बछड़ा देती है, आप छोड़ देते हैं, बछिया देती है तो आप पकड़ लेते हैं। बताइए, जो गौशाला की व्यवस्था है केवल कागजों पे है, सारा पैसा खा रहे हैं उसी पे, टैक्स बढ़ा के सब सारा पैसा खा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कागजों पे कोई नहीं, सारी व्यवस्थाएं हो रही है। आप जाके देखिए, एक भी गाय बछड़े नहीं है, केवल कागजों पे हैं बस, बाकी सब हम लोग रखा। योगी जी ने नहीं छोड़ा है। और रही देखिए बात, इन्होंने कहा गौशाला की, आप खुद कल्पना करिए, ये एक जानवर ये रखते हैं, दूध ही खाते हैं। दूसरी चीज,
अब ये कह रहे हैं कि छुट्टा छूट गए, अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में कि यूरिया डाई पे रेट जब बढ़ेंगे, ये कि जमीन की फर्टिलाइजर जो क्षमता खत्म हो जाएंगे, कहाँ से पैदा करेंगे जब गोबर खत्म हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट करें। सुनिए सुनिए, मान लीजिए कि गाय का दूध हम खा रहे हैं और अगर 10 साल में 10 बछड़े दे दिए, ट्रैक्टर से खेती करते हैं, बछड़े का कहाँ से दूध खाएंगे बताइए? बछड़े का दूध नहीं खाएंगे, बछड़े के बच्चे का चिंता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है तो आपके साथ आपके नेताजी विरोध कर रहे हैं। नियंत्रण कानून अच्छी अच्छा है, अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर वो आ रहा है तो अच्छा है। अच्छा, यहाँ के एक क्षेत्र में हम जहाँ घूम रहे हैं तो एक नाम आ रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके बारे में मतलब? माननीय नेताजी श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह देवीपाटन मंडल के मालवीय हैं, शिक्षा जगत में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, तो फैजाबाद से लेकर देवीपाटन मंडल पूरा। ये अपने जन्मदिन पे प्रतिभा खोज परीक्षा भी कराते हैं, बच्चों को इनाम देते हैं, लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं, गरीब भी बैठते हैं, अमीर भी बैठते हैं, सारे बैठते हैं, इसकी परीक्षा होती है, इनको बाइक इनाम दिया जाता है, प्रोत्साहन होता है, एक इंटर में जब दिया जाता है तो कल को जाके वो नीट की परीक्षा तैयारी करेंगे, अगले की तैयारी करेंगे, वो एक प्रोत्साहन नेताजी देते हैं। और जो हाई स्कूल इंटर में पास होते हैं फर्स्ट डिवीज़न, उनको भी सम्मानित करते हैं नेताजी हर साल। ये तो अखिलेश यादव की ही योजना सुने थे, लैपटॉप वाली बस? नहीं, लैपटॉप की योजना नहीं, नेताजी की व्यक्तिगत योजना है। नेताजी अपने तरफ से सारा खर्चा करते हैं, कोई सरकार के द्वारा नहीं है, नेताजी खुद बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। और इस पूरे देवीपाटन मंडल में हर जिले में उनका कॉलेज है। और इस कोरोना काल में, अगले कोरोना काल में सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई, दिल्ली बंबई की फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे लोग निकाले गए, नेताजी के जितने भी शिक्षक कर्मचारी थे नेताजी ने किसी को नहीं निकाला, सबको 12 महीने का वेतन दिया, और कोई अगर होता तो निकाल देता, लेकिन नेताजी ने सबको लिया। अभी भी कोरोना काल में सारे टीचर सबको वेतन मिल रहा है बाकायदा, और सब खुश भी हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बहुत से फैक्ट्रियां सब बंद हो गई हैं, अच्छे अच्छे लोग नीचे आ गए हैं। अभी इन्होंने कहा कि नेताजी के जो कर्मचारी शिक्षक या फिर जो भी उनसे जुड़े हैं उनका वेतन नहीं रोका गया, फिर इस तरह की बात है, सही है कि बस फाकी मार रहे हैं? अमित सर जी पूरी सही तरह से कह रहे हैं। और हमारे महाविद्यालय, हम शिवाजी महाविद्यालय ज्ञानचंद यादव प्राध्यापक बोल रहे हैं, हम लोग का वेतन बराबर मिला है, और बराबर भी उम्मीद है कि मतलब एक दो महीने लेट हो जाते हैं लेकिन कंटिन्यू बराबर वेतन मिल रहे हैं हम लोग को, इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन एक और चीज़ हम देखना चाहेंगे इसमें कि वेतन मिल रहा है, लैपटॉप वाली आप योजना बता रहे, देख रहे हैं कि एक अकेले इतना काम कर रहा है, किस चीज़ पर आप चुनाव में आ रहे हैं? चुनाव एक मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, महंगाई पे आ रहे हैं। जैसे हमारा धान है 1200 में बिक रहा है, उनका पेट्रोल डीजल है, जुताई कितनी महंगी, 1200 रुपये में घंटा चलता है ट्रैक्टर है। अब बताइए कि हम लोग साल भर सिंचाई करते हैं, महंगाई के मुद्दे पे आप आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ अब ये क्षेत्र में देखा कि विपक्षी भी एक ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में चर्चा कर रहा है, आप जानते सुने हैं? न, ब्रिजभूषण शरण सिंह को हम जानते हैं, उनका काम काज ठीक है निजी तौर पर जी, निजी तौर पे और दूसरे तौर पे पार्टी की तरफ से नहीं मानते। अच्छा, पार्टी का लाइन अलग हो जाता है ना जी। नेताजी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुआ देवीपाटन मंडल में, अलग भी जिला पंचायत भी हुआ, काफी जिलों में हुआ, विवाद हुआ, मारपीट हुआ, लेकिन यहाँ पे विपक्ष भी नेताजी का बात माना, जितने भी सपाई थे, मुस्लिम थे या यादव भी जिला पंचायत थे, उन्होंने नेताजी को बात मान के और जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का निकलवाया। मतलब बात माना है बाहुबली से? नहीं, बाहुबली नहीं, बात मानते हैं। क्या कर रहे हैं आप? मतलब बाहुबली की कोई बात नहीं है, ऐसा उन्होंने हमारे यहाँ भिनगा में अच्छा काम किया, शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, हमारे लोगों के बच्चे भी इसमें पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बाहुबली नहीं है? ना बाहुबली से तो कह रहे हैं कि बाहुबली के दौर पे शासन तंत्र का प्रयोग करके। अरे वो तो राजनीति की वजह से कहते होंगे, बाहुबली सब में थोड़ा बहुत रहते हैं, हर पार्टी में रहते हैं, मतलब नाम चलता है। मतलब ये पार्टी लाइन में होने के बावजूद भी मान रहे हैं ना कि भाजपा के ये जो सांसद हैं उन्होंने इस तरह से काम किया? हाँ, इन्होंने अच्छा काम किया। नेताजी के व्यक्तिगत पे ये काम भी हुआ है, नेताजी के व्यवहार पे भी काम हुआ, नेताजी को यहाँ के देवीपाटन मंडल के सारे विपक्ष वाले भी मानते हैं उनको, उनका लोहा। तो क्या लगता है आपको, जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा जो योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है यहाँ, तो क्या उसमें इनके कार्यों का योगदान रहेगा? हाँ, योगदान बहुत रहेगा। नेताजी के सानिध्य में देवीपाटन मंडल की लगभग में सारी सीटें विधानसभा की निकलेगी, और अम्बेडकर नगर से लेकर फैजाबाद भी, अयोध्या भी, उनके संपर्क में सारे विधायक भी रहते हैं, पूर्व वर्तमान सारे, तो उनके सानिध्य में काफी संख्या में विधायक निकलेंगे भाजपा से। चलिए, तो बहुत प्रकार के लोग हैं, लेकिन एक चीज हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ शिक्षक भी है, तो शिक्षा जगत में यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, और एक तरफ सरकार शिक्षा पर भी कह रही है कि शिक्षा चौपट हो रही है, और एक तरफ ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ 50-60 कॉलेजेज हैं और उसमें निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है, कुछ बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है बच्चों को, तो इसके बारे में ये बताइए सर, ये शिक्षा का कंसेप्ट इतना है, ऐसी बातें बताई जा रही है,
लेकिन इसको प्रचारित प्रसारित क्यों नहीं किया जा रहा है? सर हमारे देवीपाटन मंडल पूरा क्षेत्र जानता है उनको, ऐसा नहीं कोई नहीं जानता, बल्कि धीरे धीरे विकास हो रहा है। जैसे फैजाबाद में कुछ कॉलेज बन रहे हैं, आप गोंडा में देख ही रहे हैं, श्रावस्ती में भी आपके लगभग कॉलेज है, शिवालिक महाविद्यालय खुद है, आप जहाँ खड़े हैं प्रेजेंट टाइम लोक विद्यापीठ आपका है। तो इस तरह से वो पूरे देवीपाटन मंडल में शिक्षा जगत में उनसे बड़ा कोई काम करने वाला कोई है ही नहीं। सर आपने अपना नाम क्या बताया? डॉक्टर ज्ञानचंद यादव। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग कह देंगे कहीं यादव है तो या फिर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं क्या ऐसा है। मैं उनके महाविद्यालय में जब प्राध्यापक हूँ और मैं खुशी से कहता हूँ कि उनके इस कोरोना काल में सभी अध्यापकों को वेतन सब कुछ मिला है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानाध्यापक है? नहीं, हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के। अच्छा, आपको, आप तो शिक्षा शास्त्र से हैं, ये बताइए मतलब जातिवाद या फिर इस तरह का कोई? नेताजी में ऐसी कोई कमी ही नहीं, आज तक कभी उनका स्टेटमेंट सुना आपने जातिवाद तब पे? कभी उन्होंने जातिवाद तब नहीं बोला है सर। तो इसका प्रभाव योगी जी के वोट में पड़ने वाला है? एकदम पड़ने वाला, देवीपाटन मंडल पूरा हावी रहेगा नेताजी के बल पे। जान लीजिए मतलब नेताजी के बल पे ही योगी को वोट मिलेगा यहाँ? नहीं, ये और क्या, ये उनका वर्चस्व है, ये देवीपाटन मंडल में उनका खुद का बनाया हुआ है ये क्षेत्र। एक आरोप लगता है कि जो यादव जी लोग हैं वो लोग कहते भी हैं और समाजवादी पार्टी भी समझती है कि पुश्तैनी हमारे, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे देवीपाटन मंडल में मैं खुद प्रचार करने कभी कभी जाता हूं या लोगों से मिलता हूं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं सर। आपको क्या लगता है सर, जो एंट्री देख रहे हैं कि कई प्रकार से राजनीतिक एंट्रियां हो रही है, जातिवाद को तोड़ने की बात की जा रही है, देख रहे हैं कि सभी लोग अभी ब्राह्मण सम्मेलन करने लगे हैं, क्या है ये सब? देखिए अब जो हम लोग हैं ये आज के 20 साल पहले से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये कुंठित मानसिकता आज के 5 साल 10 साल पहले हुआ करती थी, जब सरकारें केवल जातिवाद पर राजनीति करती थी। इसके पहले बसपा केवल दलितों के नाम पर राजनीति करती थी, अगर सपा पे आरोप लगता है केवल यादवों के नाम पर राजनीति करती थी, भाजपा पर लगता था केवल ब्राह्मणों के राजनीति करती थी। अब ये सब खत्म हो गए।